हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है फिर दोबारा से मैथ्स की अदालत शो में और आज हमारा एपिसोड नंबर थ्री रहने वाला है यानी कि इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मैंसुरेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको अलग से समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो ये स्पेशल मैथ्स की अदालत जो शो आप लोगों को मिलता है सुबह आठ बजे इसमें हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं जिस कॉन्सेप्ट में बेसिकली आप लोगों को पहले एक अलग से टाइम देके फिर एग्जाम में उसमें क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है वो चीज़ आपको समझाते हैं तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को पता है कि ये हमारी जो क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है सिर्फ फिफ्टीन मिनट्स के अंदर हम लोग एक बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं और यही धीरे धीरे करके जो चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे सीखते हैं यही हमारी मदद करती है जब हम सिलेक्शन की तरफ और अपने एग्जाम के अंदर जब अपियर होते हैं तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें हमारी मदद करती है क्योंकि ये बहुत जल्दी से चीज़ें जो हैं एकदम से नहीं आती है इनमें टाइम लगता है तो यही कॉन्सेप्ट मैं बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो कि मैं पार्ट के अंदर रबर बैंड कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं यानी कि रबर बैंड की लेंथ जो है हम लोगों से पूछी जाती है तो बेसिकली अगर हम बात करें जर्नली अगर हम बात करें कि जो अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम एस की बात कर लें या किसी स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात कर लें तो नॉर्मली ये कहता है कि तीन सर्कल जो होते हैं मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया कोई भी सर्कल लेते हैं एक सर्कल ये हो गया ठीक है एक सर्कल इस तरीके से अब तीन आइडेंटिकल सर्कल यानी तीनों सर्कल की जो लेंथ होती है वो जो रेडियस होता है वो सेम होता है आइडेंटिकल का मतलब तीनों सर्कल क्या होंगे बराबर होंगे तीनों सर्कल क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है जैसे मान लीजिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ तीनों सर्कल बराबर है अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर इन तीनों आ, जो सर्कल्स हैं इसको किस रबड़ बैंड से हम जोड़ें

तीन रबड़ बैंड हो यानी कि तीन सर्कल को रबड़ बैंड से जोड़ना हो या मान लीजिए इसके बाद छह सर्कल को जोड़ना हो या नौ सर्कल को भी जोड़ना हो तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग मैक्सिमम अगर मैं मैक्सिमम टाइम की बात करूं तो आप थर्टी सेकेंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे लेकिन उसके लिए इस मैथ की अदालत शो में आपको तय करना होगा कि क्या इस पर हम कार्रवाई करें ताकि क्वेश्चन जो है वो थर्टी सेकेंड के अंदर आ जाए आइए समझाते हैं ठीक है सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ है। 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 अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये भी सर्कल का रेडियस बनेगा और ये भी आपके पास सर्कल का रेडियस बनेगा ठीक है तो अगर मैं इन तीनों सर्कल को इस तरीके से जोड़ता हूं सेंटर से अगर मैं जोड़ूंगा तो सबसे पहले आपको पता है कि सर यहां पर ये जो ट्रेंगल बनेगा क्योंकि ये अगर सर्कल का रेडियस है तो ये भी देखो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस बनेगा ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा क्योंकि तीनों आइडेंटिकल सर्कल है तीनों सर्कल बराबर बराबर है ठीक है पूरा डायग्राम एक बार समझते हैं और अगर मैं आपको यहां से जोड़ता हूं इस चीज को ठीक है इसको भी मैं यहां से जोड़ देता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि सर ये जो ट्रेंगल बना है वो बना है आपके पास एक इक्विलिटल ट्रेंगल यानी कि संभाू त्रिभुज अब सम्बाहू त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें सर हर एक एंगल साठ सात डिग्री का होता है ये एंगल भी सात डिग्री का बनेगा ये एंगल भी साठ डिग्री का बनेगा और यह एंगल भी साठ डिग्री का बनेगा आप किसी भी पोर्शन पे काम करना स्टार्ट कर दो क्योंकि किसी भी पोर्शन से हम एक बार समझ लेते हैं ठीक है जैसे कि आप देखोगे सर अगर ये आर है ये आर है अगर ये लंबाई आपके पास आर है और ये आर है तो ये भी कितना बनेगा टू आर बनेगा ठीक है इसी तरीके से अगर आप इसको नीचे जोड़ेंगे तो यहां पर भी आपको दिखाई देगा ये आर ये आर तो नीचे भी कितना बन जाएगा टू आर बन जाएगा और इसी तरीके से ये आर ये आर तो ये भी कितना बनेगा टू आर बनेगा इतनी बात समझ में आ रही है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओवरलैपिंग वाली लेंथ है ये जो ओवरलैपिंग वाली लेंथ ये वाली है ये वाली लंबाई अगर मुझे मिल जाए तो जितनी लंबाई ये वाली होगी उतनी ही लंबाई मेरी ये वाली भी होगी क्योंकि तीनों सर्कल क्या है आपस में बराबर बराबर है तीनों सर्कल आपस में क्या है बराबर बराबर है तीनों सर्कल आपस में क्या है बराबर बराबर है इसलिए तीनों लंबाइया बराबर होगी तो हमारा मेन टारगेट इस क्वेश्चन में पता क्या है अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस क्वेश्चन में मेन टारगेट क्या है इस जो रबर बैंड ऊपर जो जुड़ रही है चाहे इधर या इस पोर्शन पे या इस पोर्शन पे इसकी लंबाई को निकालना हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है ठीक है इसके लिए हमें ये ये वाला वाला एंगल एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना बनेगा और ये वाला एंगल जैसे ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका अगर मैं आपको बोलूं इस रबर बैंड की लंबाई कितनी है यानी कि इस रबर बैंड की मिनिमम लेंथ कितनी बनेगी तो इस रबर बैंड की मिनिमम लेंथ जो है इस रबर बैंड की जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी होगी टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर कितना हो जाएगा? यानि कि 2R को क्या लिख सकते हो एक तरीके से आप डायमीटर भी लिख सकते हो भाई अगर सर्कल का रेडियस आर है तो डायमीटर डी बनता है तो यानी कि अगर यहां से मिला इधर से भी डी मिला वहां से भी डी मिला तो क्या आप ये बोल सकते हैं थ्री डी प्लस अब अगर मैं बात करता हूं सर इसकी लंबाई की ठीक है इसका लंबाई मान लो एंगल कितना है थीटा तो थीटा निकालने के लिए अगर मुझे थीटा पता लग जाए तो मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा थीटा अपॉन थ्री सिक्स इंटू में टू पाई यार। ठीक है? ये एक की, कि गुणा कर सकता हूं आप बोलेंगे जी टू थीटा टू टू पाई अब, अब में थोड़ा सा ले चलते और क्वेश्चन देखना फिर किस तरीके से तीस सेकेंड के अंदर सॉल्व होगा वो आप खुद फील करिएगा ठीक है चलो अगर आपने बोला कि सर ये यहां पर सर्कल का सेंटर है तो यहां सेंटर से अगर आप इस पर टेंजेंट है तो ये नब्बे डिग्री का एंगल बनेगा सर्कल के, से के सेंटर से टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा पे नब्बे डिग्री बनता है यहां भी सर्कल के सेंटर से यहां भी नब्बे डिग्री बनेगा आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है ठीक है अब देखो अगर ये आर है ये भी आर है ठीक है ये जो आपके पास जैसे मान लो ये ए है ये बी है इसे पी मान लो और इसको मान लो एक्स पॉइंट ठीक है तो ए बी पी एक्स ये रेक्टेंगल की तरह काम करेगा या आयत की तरह काम करेगा कैसे सर अगर ये आर है तो ये भी आर बनेगा ये टू आर है तो ये भी टू आर बनेगा मतलब ये नब्बे डिग्री ये नब्बे डिग्री तो यहां पर भी नब्बे डिग्री और यहां पर भी नब्बे डिग्री इसी तरीके से सिमिलरली यहां पर भी आर है ये भी आर है तो यहां पर भी नब्बे डिग्री बस आपको ये बात समझनी थी कि यह नब्बे डिग्री में बना कैसे रहा हूं तो ये बनता है एक तरीके से रेक्टेंगल यानी कि आयत आपको ये बात फील हो रही होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन को तो अलग से टाइम दे के ही समझना पड़ेगा कंटिन्यू जो हमारी क्लास चलती है चाहे यूट्यूब हो गया या कहीं पर भी क्लास चलती है उसमें एकदम से इतना टाइम तो नहीं होता इसीलिए मैथ्स की अदालत में इसका मुकदमा हम यहां लड़ रहे हैं ठीक है चलिए तो सर 90 और 90 कितना हो गया 180 180 प्लस साठ कितना हो गया 240 अगर 240 हो गया तो क्या ये एंगल 120 होगा क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है पूरा सर्कल जो होता है वो तीन डिग्री का होता है अब कहीं भी अप्लाई कर लो इस चीज को ये नब्बे है तो सर यहां पर भी भी बनेगा यहां भी नब्बे, यहां पर कितना आएगा? एक सौ बन जाएगा ठीक है यहां पर भी सेम वही चीज तो हर जगह एंगल आपका सेम बनता चलेगा तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि 120 डिग्री एंगल कैसे बना क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करता है ये भी रेडियस ये भी रेडियस ये टू आर तो ये भी टू आमने सामने की भुझाएं बराबर बराबर और 90 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल ही तो बनेगा आयत ही तो बनेगा तो बस अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग निकाल लेते हैं बिल्कुल टाइम के अंदर जैसा कि आपने बोला सर थ्री डी इंटू में थ्री इंटू में एंगल बनेगा 120 एंगल 120 नीचे 360 सौ इंटू में टू पाईआर क्या हो गया टू पाईआर तो 360 से 360 सौ कट गया तो यानी कि थ्री डी प्लस टू पाईआर यानी कि अगर मुझे अगर मुझे इस रबड़ बैंड की लंबाई निकालनी है तो आपके पास कितने सर्कल थे तीन सर्कल कैसे एक दो तीन तो एक डायमीटर यहां से मिला एक डायमीटर टू आर की जगह डायमीटर यहां से मिला और एक टू आर की जगह डायमीटर यहां से मिला कितना हो गया डी 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 तो थ्री डी प्लस टू पाई आर यानी कि अब अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आई होप आपको पूरा का पूरा डायग्राम और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने मिनिमम लेंथ पे थ्री डी प्लस टू पाईआर को लगाया है अब इस बात को फील करिएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगाएंगे फटाफट से बताइए डायग्राम या ना बना हो आपको कोई मतलब नहीं है फिगर लेंथ ऑफ द रबड़ बैंड आपको बतानी है तो आप सभी को पता है कि लेंथ ऑफ द रबड़ बैंड निकालने का तरीका क्या है ठीक है आप यहां पर बोलेंगे एल इक्वल टू थ्री डी प्लस में टू पाईल थ्री डायमी दस प्लस में टू पाई आर, 2 पाई आर।, 3, 2 पाई आर। अगर डायमीटर आपके पास दस था तो रेडियस पांच हो जाएगा या आप डायरेक्ट टू आर, टू आर की जगह आप डायरेक्ट दस भी रख सकते थे तो सर दस गुणा में तीन कितना बनेगा तीस प्लस में टेन पाई तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि 30 प्लस में टेन पाई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ईमानदारी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में 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 मैं देखूंगा इस इस क्लास के बाद कि कि कितने बच्चों को बात समझ में आए कि क्या क्वेश्चन को सच थर्टी सेकेंड तो, तो मैंने ज्यादा ही बोला था 15 के अंदर कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यह बनता कैसे है ठीक है अब मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि कैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां पर इस तरीके से मैनेज किया अब स्टूडेंट के यहां पर अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर गलतियां होती हैं और क्या गलतियां होती हैं उस चीज को मैं आपको क्लास में फील कराता हूं जैसे मान लीजिए आप में से अगर मान लीजिए लेट सपोज कि अगर एग्जामिनर परेशान करना चाहता है और वो कहता है कि मैं छह सर्कल को जोड़ता हूं एक दो तीन चार पांच और छे छह सर्कल आपने जोड़ दिए और इन छह सर्कल को जोड़ने पर जो रबड़ बैंड की मिनिमम लंबाई होगी वो आपको बतानी है अब हम क्या करेंगे सर अगर हम इन सर्कल को को सेंटर को जोड़ेंगे तो सेंटर को जोड़ने पर सर ये आर आएगा, ये हो जाएगा और ये आर हो जाएगा तो हमारा जो ट्रेंगल बनेगा वो बनेगा इक्वीटल दोबारा से संभाव त्रिभुज बनेगा क्योंकि ये आर होगा ये टू आर होगा ये आर बनेगा। ये आर है ये टू आर है और ये आर है तो अब इसकी लंबाई को निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा आपको क्या करना है डायमीटर कैलकुलेट करने सबसे पहले कितना सर यहां पर टू आर और ये आर और आर तो ये कितना बनेगा थ्री डी भाई यहां पर कितना बनेगा आपके पास थ्री डी मिला यहां पर कितना मिला थ्री सॉरी थ्री डी नहीं टू डी बनेगा ना टू डी देखो ये टू आर की जगह एक डायमीटर ये रहा और इसकी जगह एक डायमीटर ये रहा ठीक है तो यहां पर आपको जो डायमीटर मिलेंगे वो किस हिसाब से मिलेंगे वो लिख देते हैं ना तो यहां पर मिलेगा टू डायमी यहां से मिला टू डी यहां से मिला और टू डी ही यहां से मिला तो लंबाई जो बनेगी वो बनेगी बनेगी वो प्लस प्लस में टू पाई प्लस में ठीक है क्योंकि तो एक डायमीटर ये रहा और आर ओर और एक डायमीटर ये डायमी टू डी इधर से टू डी इधर से टू डी इधर से थ्री सिक्स में टू पाई आर अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो कंक्लूजन आने वाला है वो बच्चे क्या एक्जन लगाते हैं अच्छा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या आपको सच में ये फील हुआ अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूं अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं नाइन सर्कल जोड़ नाइन सर्कल जोड़ता हूं ठीक कितने देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन दस सर्कल जुड़ गए जी कितने सर्कल जुड़े दस सर्कल जुड़े अगर दस सर्कल आपके पास जुड़ गए और इन दस सर्कल को जोड़ने पर मिनिमम रबड़ बैंड की लंबाई क्या बनेगी तो आप जब इनके सेंटर को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ए बी और सी अब मैं आपको बताता हूं और ईमानदारी से ऑनेस्टी से मुझे बताना कितने बच्चों ने इस चीज को रियालाइज कर लिया था जैसे कि आपको दिखा कि सर यहां पर अगर तीन सर्कल थे एक दो तीन तो तीन सर्कल के लिए थ्री डी प्लस टू पाई आर तीन सर्कल के लिए थ्री डी प्लस टू पाई आर ठीक है और जैसे यहां पर छह सर्कल थे एक दो तीन चार पांच छे तो सिक्स डी प्लस टू पाई यानी छह सर्कल थे तो 6d डी प्लस टू पाई तीन सर्कल थे तो 3d डी प्लस टू पाई आर यहां दस सर्कल हैं यहां दस सर्कल हैं तो क्या आंसर होगा बताइए क्या आंसर बनेगा तो कुछ यहां पर हमारे प्यारे भाई बोलेंगे सर 10d डी प्लस टू पाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोलो यस और नो लेकिन गलत लेकिन गलत क्यों क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था ना

थ्री डी ही यहाँ से मिलेगा क्योंकि ये भी डी ये भी डी ये भी आर ये भी आर सिमिलरली इधर से भी डी इधर से भी डी ये भी आर ये भी आर तो कितना मिला थ्री डी तो भैया थ्री डी थ्री डी थ्री डी थ्री डी थ्री डी थ्री डी कितना होगा नाइन डी तो सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नाइन डी प्लस टू पाई आर से मिलेगा तो ये था आज की क्लास के अंदर आप लोगों के सामने रबड़ बैंड की लंबाई का कॉन्सेप्ट और इससे बाहर आप लोगों से एग्जामिनर ना तो पूछ सकता है और ना ही उस ना ही आपके एग्जाम में ये आएगा ठीक है मेरे दोस्तों तो पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझाया दिया गया है उसके बाद आपको जो है एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ आपको बता दिया गया है और यहां पर छे सर्कल और दस सर्कल वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया गया है तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप अच्छे तरीके से इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे तो मिलते हैं आप लोगों से एपिसोड नंबर फोर में जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अगर आपने से किसी बच्चे ने भी लेट अगर इन एपिसोड्स को देखना स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग से अगर वन टू तो, थ्री नोट करते जाइए और कॉपी में नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो लास्ट टाइम पर काम आएंगे जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले होंगे ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत धन्यवाद